हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने टाइप ऑफ डिफरेंट जीवीएफ प्रोफाइल सीख चुके हैं आप लोग, लेकिन अभी उनका फ्लो का पैटर्न कैसा होगा ये आप लोगों ने नहीं सीखा है। आप लोगों ने बस इतना सीखा है कि कितने तरीके के फ्लो प्रोफाइल होते हैं, और अगर आपको डेप्थ और यूनिफॉर्म डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ, ये तीनों डेप्थ आपको पता चल जाए तो आप प्रोफाइल का नाम बता सकते हैं, सिर्फ इतना। लेकिन वो प्रोफाइल देखने में कैसा दिखेगा ये आपको सीखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है, कब निगेटिव होती है, तभी हम ये बता पाएंगे कि प्रोफाइल जो बनेगा वो कैसा बनेगा। तो पहले तो एक जीवीएफ का एक स्टैंडर्ड जो हमारा इक्वेशन होता है उसे हम लोग देखेंगे। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट, एक मिनट, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसके कई कई पैटर्न आपको बताए गए हैं, जिसमें से अभी जो पैटर्न हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा ये वाला, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस के नॉट बाई के का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस जेड सी बाई जेड का स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है यहाँ पर यूज़ होगा। इससे पहले एक और आपको इक्वेशन पता होगा, जैसे यहाँ पर जो के है वो कन्वेयंस ऑफ द चैनल है, और तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी अगर आपको पता हो कि जो के की जो वैल्यू है वो वाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, कन्वेयंस ऑफ द चैनल अगर आप वैल्यू देखें तो के की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वाई की वैल्यू के, ठीक। इसी तरह जो जेड की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई सी के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, ठीक, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो हैं ये दोनों क्या होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तभी हमें डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। तो अगर पहला केस हम लेते हैं जबकि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो वो कब होगा, जब के की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी के नॉट से, इसके साथ ही जेड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी जेड सी से। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ मिलती हैं तब हमें ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी। अब ये वैल्यूज़ जो हैं वो डायरेक्टली डेप्थ की वैल्यूज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, कि अगर वाई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वाई नॉट से और वाई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी वाई सी से, ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब ये क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो ये क्राइटेरिया क्या बताता है, वाई की वैल्यू जो है वो वाई नॉट से भी ज़्यादा होनी है और वाई की वैल्यू जो है वो वाई सी से भी ज़्यादा होनी है, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो से भी ज़्यादा होगा और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो से भी ज़्यादा होगा। अब सिर्फ वाई की वैल्यू के बारे में बोला जा रहा है कि वो वाई नॉट और वाई सी से ज़्यादा होगा, लेकिन वाई नॉट और वाई सी का आपस में क्या रिलेशन है इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। अब वाई नॉट और वाई सी आपस में एक दूसरे से छोटे या बड़े या बराबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि जो वाई है वो वाई नॉट से भी ज़्यादा है और वाई सी से भी ज़्यादा है। तो ये किस रीज़न में जाएगा, ये फर्स्ट रीज़न की बात बोली जा रही है, ये जो हमारी कंडीशन है ये फर्स्ट रीज़न में है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में जब हमारा अवेलेबल डेप्थ जो है वो नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन दोनों से ही ज़्यादा होगा, मतलब वो रीज़न वन में जाएगा, मतलब जो एक्चुअल जो डेप्थ वाई है वो एनडीएल और सीडीएल दोनों के ही ऊपर होगी, तो मतलब वो जो आप लोगों को जिस रीज़न की बात बोली जा रही है वो फर्स्ट रीज़न की बात बोली जा रही है।
तो फर्स्ट रीज़न में एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि फर्स्ट रीज़न में dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है ये जानिए। जैसे कोई dy बाई डी एक्स ऐसे है क्या, x और y है क्या, सपोज़ ये स्लोप है, ये हमारा स्लोप है ऐसे, और ये वाटर सरफेस है, तो x डायरेक्शन जो है वो ये है और y डायरेक्शन ये है, ये डेप्थ डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो dy बाई डी एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाटर सरफेस के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि जो वाटर सरफेस है, अगर ये बेस ले dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, इट मीन्स x डायरेक्शन इंक्रीज करने पर y डायरेक्शन जो है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारा प्रोफाइल कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक, ये इसका मतलब होता है कि dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है। और अगर आपसे ये बोला जाए कि dy बाई डी एक्स निगेटिव है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका प्रोफाइल कैसा बनेगा। जैसे ये x डायरेक्शन इधर की साइड इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन निगेटिव है y, तो y की वैल्यू धीरे धीरे इसके साथ ही कम होनी चाहिए, मतलब जो प्रोफाइल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा dy बाई डी एक्स निगेटिव है, और अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो x बढ़ने के साथ साथ y भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ऐसा अगर प्रोफाइल होता है तो ये पॉजिटिव dy बाई डी एक्स की वजह से होता है, और ऐसा अगर होता है तो ये निगेटिव dy बाई डी एक्स की वजह से होता है। क्योंकि अभी अभी हमने ये बात क्लियर की कि रीज़न वन में जो सारे कर्व बनेंगे उनका स्लोप जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रीज़न वन में जो भी अब प्रोफाइल बनेगा वो कैसा होगा, ऐसा इंक्रीजिंग बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं dy बाई डी एक्स के पॉजिटिव होने का। dy बाई डी एक्स के पॉजिटिव होने का दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अगर नेगेटिव हों, dy बाई डी एक्स को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो अगर यहाँ ऊपर साइड भी नेगेटिव और नीचे साइड भी नेगेटिव हो तो भी ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस हिसाब से डोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम निगेटिव अगर बना दें तो अगर आपको ध्यान हो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट वन माइनस के नॉट बाई के का स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस जेड सी बाई जेड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब अगर इसमें हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही निगेटिव करना है, इट मीन्स होना क्या चाहिए कि k की वैल्यू जो है वो k नॉट से कम होनी चाहिए, इसके साथ ही z की वैल्यू जो है वो zc से भी कम होनी चाहिए। अब ये सभी वैल्यूज़ जो हैं इनके करिस्पॉन्डिंग y वैल्यूज़ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो y नॉट से कम होनी चाहिए और y की वैल्यू जो है वो yc से भी कम होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो अभी जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है कि y की वैल्यू कम होनी चाहिए y नॉट और yc से। अब अगेन वही बात कि y नॉट और yc का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन y की वैल्यू इन दोनों से ही कम होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू इन दोनों से ही कम होनी चाहिए तो एक बात तो क्लियर है कि ये किस प्रोफाइल की बात बोल रहा है, मतलब जो ऐसा रीज़न जिसमें जो एक्चुअल जो आपकी डेप्थ है वो NDL और CDL दोनों से ही नीचे होनी चाहिए। जब दोनों से ही नीचे होगी तो सीधी बात है ये हमसे किस तरीके के प्रोफाइल की बात बोल रहा है, मतलब कि अगर ऐसा कोई भी प्रोफाइल है, NDL है या CDL है कोई भी, तो हमारा इस रीज़न की बात हो रही है। चाहे तो ये NDL हो जाए, ये CDL हो जाए, ये इस रीज़न की बात हो रही है। और ये रीज़न होता कौन सा है, ये तीसरा रीज़न होता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि थर्ड रीज़न भी एक ऐसा रीज़न है जिसमें हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव आता है, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक, मतलब रीज़न वन और रीज़न थ्री दोनों में ही हमें पॉजिटिव कर्व मिलेगा। पॉजिटिव कर्व इन द सेंस, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, x डायरेक्शन बढ़ने के साथ साथ y जो है डेप्थ ऑफ फ्लो भी क्या होगा, बढ़ता हुआ होना चाहिए। अब ये भी सही है या फिर
आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, ये भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। डीवाई बाई डी एक्स से सिर्फ इतना ही पता चलता है कि दोनों इंक्रीजिंग होने हैं, और अगर डीवाई बाई डी एक्स निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा या फिर वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड, जो सेकेंड हमारा जो रीज़न है उसकी बात करते हैं। जब सेकेंड रीज़न होता है तो सेकेंड रीज़न में y जो है वो मिडिल में होता है, या तो वाई सी ज़्यादा होगा या तो y नॉट ज़्यादा होगा, दोनों क्राइटेरिया हो सकते हैं ये। ठीक है, तो इन दोनों ही क्राइटेरिया में अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड बाई डी एक्स के फॉर्मूले में रखने की कोशिश करेंगे तो सीधी बात है कि एक या तो डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, नॉमिनेटर जो है वो निगेटिव हो जाएगा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब इतनी बात भी क्लियर है कि रीज़न टू के लिए, रीज़न टू के लिए डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा निगेटिव ही मिलती है। ठीक है, तो इतना बात आपको क्लियर हुआ कि अगर हम रीज़न वन में हैं तो हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, और अगर हम रीज़न टू में हैं तो हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी निगेटिव, और अगर हम रीज़न थ्री में हैं तो हमें डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ बाद में यूज़ होगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये देखना है कि जो रीज़न वन होता है इस रीज़न में जो कर्व होता है ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप देता है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव स्लोप देता है, इसलिए इस पर्टिकुलर रीज़न के जो कर्व होते हैं उन्हें हम लोग बैक वाटर कर्व्स भी बोलते हैं। ये जो फर्स्ट रीज़न वाला कर्व होता है इसे हम लोग बैक वाटर कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, और रीज़न टू जो होता है ये हमेशा निगेटिव होता है, तो इसे हम लोग ड्रॉ डाउन कर्व भी बोलते हैं। ये होता है बैक वाटर कर्व, और सेकेंड को हम लोग ड्रॉ डाउन कर्व भी बोलते हैं। ठीक, ये दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हुआ। अब आपको ये देखना है कि अगर वाई की वैल्यू जो है वो कम होते होते या बढ़ते हुए y नॉट के बराबर हो जाता है तो dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हमने कर्व बनाएंगे तो कर्व बनाते बनाते, जैसे y की वैल्यू हमने रीज़न वन से स्टार्ट की, रीज़न वन से धीरे धीरे कम होते होते, मान लीजिए सबसे पहला जो लाइन जो सबसे ऊपर है वो NDL है, तो y की वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते जब वो y नॉट के बराबर आएगी तब मतलब जो वाटर सरफेस होगा वो NDL को किस तरह टच करेगा, ये वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो हमें उसका स्लोप पता होना चाहिए। ठीक, तो हमें y की वैल्यू धीरे धीरे हम कम करते हुए या बढ़ाते हुए y नॉट तक लेके अगर आते हैं तो dy बाई डी एक्स, जब y इक्वल टू y नॉट हो जाएगा उस टाइम पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोफाइल है, जो वाटर का प्रोफाइल है वो आप जो NDL है या CDL है वो कैसे उसको कैसे टच करता है। तो सबसे पहला जो हम लेंगे वो हम लेंगे NDL के लिए सॉल्व करेंगे। जब NDL के लिए सॉल्व करना चाहते हैं तो हम मतलब क्या करेंगे, y इक्वल टू y नॉट के लिए dy by dx की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो जब y इक्वल टू y नॉट के लिए dy by dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए dy by dx इक्वल टू s नॉट, उसको तो s नॉट को तो एज इट इज रहने ही दीजिए। अब देखिए 1 माइनस k नॉट by k का स्क्वायर, तो k नॉट by k का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, 1 माइनस y नॉट बाई वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस वाई सी बाई वाई का स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एस नॉट भी होता है। तो जब y की वैल्यू y नॉट के बराबर हो जाएगी, मतलब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी dy बाई dx की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। यानी एक बात तो क्लियर है कि जब y इक्वल टू y नॉट हो जाएगा तब dy बाई dx इक्वल टू आपका हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक, अब देखते हैं NDL पे ही
एनडीएल पे ही जब वाई इक्वल टू वाई नॉट के बराबर है तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमें मिली है वो बराबर है ज़ीरो के। अब अगर डी वाई बाई डी एक्स को आप ये भी जानते हैं कि हम डी वाई बाई डी एक्स को हम टैन थीटा लिख सकते हैं, तो टैन थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमें कब मिलती है, टैन थीटा में ज़ीरो वैल्यू हमें कब मिलती है, जब थीटा इक्वल टू भी ज़ीरो डिग्री होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो डिग्री, मतलब कि जब एक्स इक्वल टू सॉरी जब वाई इक्वल टू वाई नॉट होगा, मतलब हमारी जो एक्चुअल में जो डेप्थ होगी वो नॉर्मल डेप्थ के बराबर हो जाती है, तो उस केस में जो वाटर का जो स्लोप है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब जो एंगल फॉर्म होगा एक्स डायरेक्शन और वाटर के सरफेस के साथ वो ज़ीरो हो जाना है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर ये एनडीएल लाइन है और ये जो है ये वाटर सरफेस अगर आ रहा है, जब ये एनडीएल को टच करेगा तो क्या होगा, एंगल ज़ीरो बना लेगा। ज़ीरो बनाने का क्या मतलब होता है कि बहुत दूर जाकर ये आपस में दोनों लाइनें जो हैं आपस में मिल जाएंगी। तो हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एट वाई इक्वल टू वाई नॉट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड वाटर सरफेस अप्रोचेज द एनडीएल एसिम्प्टोटिकली। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर हमें ये देखना है कि जब हमारा वाटर सरफेस जो है वो सीडीएल के पास पहुंचता है, सीडीएल पे टच करता है, तो वो उसको कैसे टच करेगा, कैसा कर्व बनेगा, तो ये हमें कैसे निकालना होगा कि एट सीडीएल वाई इक्वल टू वाई सी, सीडीएल पे वाई इक्वल टू वाई सी होना है, तो वाई इक्वल टू वाई सी पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें देखनी है तो फिर से हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट वन माइनस, ऊपर का जो वैल्यू है वो एज इट इज हमें देते हैं के नॉट बाई के का स्क्वायर, सॉरी के नॉट बाई के का स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस, अब इसमें हम लोग रख देते हैं वाई सी बाई वाई का स्क्वायर। जब हम ऐसा रख देंगे तो सीडीएल पे क्या होता है, y इक्वल टू वाई सी होता है, तो जब y इक्वल टू वाई सी है तो ये और ये कैंसिल होके वन का स्क्वायर, वन माइनस वन मतलब ज़ीरो, मतलब डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो, यानी डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। अब जब डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो ये इनफाइनाइट वैल्यू डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू टैन थीटा रखते हैं, और टैन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। अब टैन थीटा, टैन के किस वैल्यू के लिए हमें ये वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी, तो 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल जाता है। यानी एक बात तो क्लियर है कि जब y इक्वल टू वाई सी होता है तब dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाता है, और जो वाटर सरफेस है जब वो सीडीएल से मिलेगी तो वो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज से ऐसा 90 डिग्री जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो 90 डिग्री है वो शार्प 90 डिग्री नहीं होता है। इसीलिए जब भी हम लोग सीडीएल बनाएंगे, जब भी हम लोग सपोज़ ये सीडीएल है और हमने ये वाटर सरफेस सपोज़ हमने लिया, जब हम लोग वाटर सरफेस को इसके पास लाते हैं तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। इसको जब भी हम लोग इसको हम लोग सीरियल से, जैसे सपोज ये सीरियल है और ये हमारा एक्चुअल वाई है, तो जब ये इधर सीरियल से मिलेगा तो होगा लगभग 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, लेकिन हम लोग इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल पर्पज़ से सही बात नहीं है। ठीक, यानी आपको दो बातें समझ में आई कि जब वो जो डेप्थ हमारा है वो एनडीएल से टच करेगा तो एसिम्प्टोटिकली टच करेगा, और जब सीडीएल से टच करेगा तो वो वर्टिकली टच करेगा। एक और केस हम देखते हैं, जब हमारा वाई इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, वाई इक्वल टू इनफाइनाइट होगा मतलब कि वाटर सरफेस जो है वो बहुत ऊपर होगा, बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, तब हम इस केस को कैसे देखेंगे। ये जो केस है वो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों डिस्कशन किया जा रहा है। वाई इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट डिवाइड बाई वन माइनस के नॉट बाई के का
स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस जेड सी बाई जेड का स्क्वायर। तो जब y इक्वल टू इनफाइनाइट है, मतलब k इक्वल टू भी इनफाइनाइट हो जाएगा और z इक्वल टू भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वन माइनस समथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट, इसका क्या मतलब हो जाएगा, ज़ीरो। सपोज़ कोई भी चीज़ डिवाइड बाई इनफाइनाइट होती है तो उसका मतलब हो जाता है ज़ीरो। तो वन माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई वन माइनस समथिंग डिवाइड बाई इनफाइनाइट, मतलब ज़ीरो ज़ीरो। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये बचा वन वन मल्टीप्लाइड बाई एस नॉट, मतलब ये, मतलब डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो एस नॉट के बराबर हो जाएगी जब हमारा वाई इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि वाटर सरफेस मीट्स ए वेरी लार्ज डेप्थ एज हॉरिजॉन्टली एसिम्प्टोट, मतलब कि जब हमारा एस नॉट इक्वल टू, जब हमारा y इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तब dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, एस नॉट के बराबर मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब y हमारा इनफाइनाइट की तरफ जा सकेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे, एक चीज़ और, एक आपको रूल जो है वो ध्यान रखना है, इसके बाद हम सभी रूल्स को समराइज़ करेंगे और सभी रूल को समराइज़ करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर्व देखेंगे कि कैसा कर्व बनता है। तो जो हमने सीखा वो ये है कि जो फर्स्ट रीज़न का जो कर्व होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं बैक वाटर कर्व, और थर्ड रीज़न का कर्व भी हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकेंड रीज़न का कर्व हमेशा निगेटिव होता है, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉ डाउन कर्व, और जब y जो है वो y नॉट के बराबर हो जाता है, मतलब कि y जो है वो NDL पे टच करता है, तब dy by dx की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, मतलब वाटर सरफेस जो है वो NDL को एसिम्प्टोटिकली टच करता है। दूसरा, जब y जो है वो yc के बराबर हो जाता है, मतलब हमारा जो वाटर सरफेस है वो CDL पे टच करता है, तो वो dy by dx की वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, मतलब वाटर सरफेस जो है वो CDL को वर्टिकली टच करता है। लेकिन प्रैक्टिकल के पर्पज़ से ये एग्जैक्टली ट्रू नहीं होता है, तो हम लोग इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। जब y इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तब dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो s नॉट के बराबर हम लोग मानते हैं। ये इतने रूल्स हम लोगों ने डिस्कशन किए। एक और रूल है जो हम लोग जब उनके कर्व के रीज़न हम लोग बनाएंगे तब हम लोग ध्यान रखेंगे, वो क्या होता है कि जब सबसे लास्ट में जो थर्ड वाला जो रीज़न बचता है, हमें ये तो पता है कि CDL पे कैसे टच करेगा, NDL पे टच कैसे करेगा, लेकिन हमारा जो बेस है उस पे क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो बस एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर बेस के जस्ट ऊपर CDL है तो 90 डिग्री से CDL टच करेगा और नीचे एसिम्प्टोट हो जाएगा, और अगर बेस के जस्ट ऊपर NDL है तो ऊपर एसिम्प्टोट हो जाएगा और नीचे जो है वो 90 डिग्री पे टच करेगा। इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इतना अगर आपको ध्यान है तो आप जो सभी रीज़न के कर्व हैं वो आप सही ढंग से बना पाएंगे। ठीक, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखा दूँगी। ठीक, थैंक यू क्लास।